कानपुर के श्री बालाजी धाम पितृतीर्थ पनकी पड़ाव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन बालाजी फाउंडेशन सेवा समिति के द्वारा किया गया। शिविर में सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के आयोजन में ब्लड कलेक्ट करने वाली संस्था वादा ब्लड बैंक चैरिटेबल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों को प्रोत्साहन के लिए प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट किया। आइए जाने पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आईपीएन न्यूज में मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। रक्तदान, जैसे कि आपको पता है कि रक्तदान एक महादान बोला जाता है। रक्त लेकर एक व्यक्ति जो है तीन व्यक्तियों की जान जो है वो बचा सकता है। तो इसी क्रम में आज बालाजी तीर्थ धाम जो पंजी में स्थित है वहाँ पर बाला कैरिटेबल ट्रस्ट सेंटर जो कि काफ़ी लोग मिलते थे, उन्होंने यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें कुछ लोगों ने यहाँ पर रक्तदान करके अपना भागीदारी की। आइए बात करते हैं लोगों से कि अगर रक्तदान करके कैसे दूर। जय श्री बालाजी, मैं कैलाश शर्मा, रोना रोड निवासी। आज प्रभु की प्रेरणा से ऐसा सनातन धर्म कहता है नर सेवा नारायण सेवा, इसी के अंतर्गत आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बालाजी पितृ क्षेत्र में धाम में मानव कल्याण हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने भी एक छोटी सी सहभागिता की है। सभी भक्तों से, सभी मानवजनों से मेरा निवेदन है कि अपने जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करें ताकि संपूर्ण मानव जाति की सेवा की जा सके। जैसे रक्तदान के लिए लोग मैंने जानते हैं कि उसका शरीर शारीरिक कमजोरी आती है, तो उसके लिए क्या क्या आप एक साइंस कहता है कि ब्लड ऑटो जनरेट होता है, एक आप जो यूनिट दान करते हो एक हफ्ते के अंदर वो वापस से रीजनरेट हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं, और ये कोई भी रक्तदान डॉक्टर्स की निगरानी के अंतर्गत किया जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने मन में विश्वास धारण करके रक्तदान करते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में जरूरत पड़ती है तो कोई रक्तदान आपको करता ही है, तो वही चीज़ आपके लिए आप पे भी लागू होती है। आप मानव सेवा से रक्तदान करें, बिना घबराहट में करें, प्रभु का विश्वास करके करें, अब आपका कल्याण। कैलाश से ये थे हमारे साथ में बिना रोड निवासी कैलाश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रक्तदान करके हम लोगों की जीवन कल्याण किया और रक्तदान करने से भी हम गरीबों के बारे में। अभी बात कर ली संस्था से कुछ लोगों से जिन्होंने जो ये आयोजन किया है, किस तरीके का आयोजन वो कहाँ कहाँ करते हैं और उन्हें किस तरीके का आयोजन में क्या यहाँ पर लाभ मिल रहा है। क्या नाम आपका? गोपाल जी, कहाँ ये जो आपका जो संस्था बनी हुई कहाँ पर? अच्छा, रक्तदान को लेकर जैसे लोगों को आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि रक्तदान करना कितना जरूरी है और इससे किसी भी तरीके की लोगों को परेशानी नहीं होती? बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है आप शरीर बॉडी में जो कई चीज़ें होती है, ब्लड प्रेशर होता है वो आपका डाउन हो जाता है, हार्ट की समस्या वहाँ से डिस्फंक्शन कम हो जाती है, और ब्लड देने से सभी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो एक स्वस्थ इंसान अपने जो रक्तदान कितने बार कितने समय के अंतराल पर रक्तदान करता है? ऐसे हर एक नॉर्मल आदमी हर 3 महीने में कर सकता है, जिसका एक उम्र अभी 12.5 ग्राम से ऊपर होगा, वजन 45 किलो का ऊपर हो, कोई भी स्वस्थ आदमी व्यक्ति कर सकता है। क्या नाम बताया? गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ थे, जिनका साथ भी कहना है कि एक व्यक्ति अपने 3 महीने के अंदर जो है अपना रक्तदान कर सकता और रक्त जो है दोबारा सर्कुलेट होकर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि रक्तदान के लिए जहाँ भी आपको दिखता है कि रक्तदान, उसके अलावा भी जहाँ भी रक्तदान आप स्वेच्छा से जाके कर सकते हैं और मानव कल्याण में अपना भागीदारी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन चंदा के साथ मैं हूँ।